नमस्कार, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उन्नति शर्मा। जैसे कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है सियासी घमासान लगातार चलता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच आम जनता जो है किसे वोट करना चाहती है 2024 के प्रधानमंत्री के रूप में, वो किसे देखना चाहती है, तो चलिए जानते हैं लोगों से और पूछते हैं कि वो किसे देखना चाहते हैं। आइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल जी रैना। आप ये बताइए 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं इस चुनाव में? देखिए बेटा, इलेक्शन तो हर 5 साल का होते हैं। इस साल का जो इलेक्शन है 2024 का, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा एक्साइटिंग है। वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी साहब, कुछ ऐसे इश्यूज हैं इन्होंने उठाए और सक्सेसफुल हुए उन इश्यूज में, बड़ी जो 70 साल से इश्यूज थे। इसलिए पीपल यही चाहते हैं कि मोदी साहब आए, सक्सेसफुल हो। कोई जो भी, हमें ये भी उम्मीद है कि जो अनसॉल्व इश्यूज हैं वो ये सॉल्व करेंगे। मतलब आप एनडीए की साइड हैं? एनडीए। ओके सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंसीलाल भट्ट है। आप ये बताइए किस मुद्दे पर आप जो हैं इस चुनाव में वोट देंगे लोकसभा के? मैं कहता हूँ मोदी साहब ने जो काम किया है इन 5 सालों में, इन 10 साल 14 साल हो गए उसको। पहले तो वो गुजरात में था, फिर इधर आया, उसने 370 भी हटाया, राम मंदिर भी बनाया, सब कुछ काम अच्छे अच्छे की, सारे काम अच्छे किए, और वो सब काम, सबका विकास, सबका वो समझता है। मोदी साहब अवतार जैसा यहाँ प्रधानमंत्री है, वो अवतार जैसे हम एनडी के साथ है सारे। अच्छा ठीक। आप सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर भंडारी है, हेमल भंडारी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी और क्यों आएगी? आएगी तो बीजेपी ही। अच्छा। सरकार तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान को अंधेरे से रोशनी में लाया और गुरु बन के प्राइम मिनिस्टर मोदी ही आया, कि गुरु का मतलब ही है जो अंधेरे से रोशनी में लाएगा, वो है मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आपको नहीं लगता कि इंडी गठबंधन है वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर। जो उसने काम किया है बिला किसी लालच के, बिला किसी नस्ल मिल्लत के, बगैर किसी प्रेजुडिस के, जो उसने काम किए हैं हर किसी फिरके के लिए, वो सराहने के लायक है। तो इसलिए कैसे वो हारेंगे और कैसे उसको नहीं लाएंगे लोग? आइए और लोगों से जानते हैं कि वो 2024 में किसे देखना चाहते हैं दो प्रधानमंत्री के चुनाव में। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर कल्पना शास्त्री। मैं सीआरटी दिल्ली से रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी अब आने वाले इलेक्शन में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार का काम है न्याय और सुरक्षा देना। अगर कोई सरकार न्याय और सुरक्षा देने में सफल रहती है तो हम उसको सफल मानते हैं। बाकी जो काम है वो रोजगार सृजन करना, और ये है कि किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, इनके लिए जो है जो सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वो उन्नति कर सके। तो इसमें कुछ जगह सरकार सफल रही है, कुछ जगह सरकार असफल भी रही है। चलिए जानते हैं आखिर महिलाएं जो हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव में किसे वोट देना चाहती हैं, क्या वो इंडी गठबंधन होगा या एनडीए की सरकार होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका नाम क्या है? अंकिता। तो आप ये बताइए 2024 अब जो चुनाव आ रहे हैं इसमें किसको वोट देंगे आप, किस मुद्दे पर? भाई बीजेपी को ही वोट देंगे, मोदी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं सब। आप बताइए आपका नाम क्या है? जस्सी। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में, इलेक्शन में कौन आएगा आखिर, इंडी गठबंधन होगा या एनडीए होगा? एंटी गठबंधन तो नहीं होगा, मतलब मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि वही है ना, वोट हम उसको देंगे जो जनता का सुधार करे, है ना, देश का सुधार हो जिस चीज़ से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब एनडीए की आप चाहते हो कि वो जी आए इस चुनाव में? हाँ। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? सुधा। तो ये बताइए कि आप किसको वोट देंगे इस बार 2024? बीजेपी। बीजेपी को क्यों, मतलब किस आधार पर? राम मंदिर मुद्दा है। हाँ जी। उसके बाद ये इकोनॉमिक भी इंडिया का बेटर हुआ है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद ये पे भी मोदी जी को वोट देंगे। आपको कई सारी योजनाएं जो है आई हैं, जिसके आयुष्मान भारत, ये
तो जैसे कि आपने देखा महिलाएं जो हैं वो भी मोदी सरकार को ही चाहती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।